जी हाँ, ये तोतों का महाकुंभ हर साल लगता है। ये पक्षी भक्त हैं हनुमान के। लाखों की तादाद में हर साल पहुंचते हैं तोते और लगती है इनकी पंगत। पक्षी करते हैं भगवान के दर्शन और लोग आते हैं इन भक्त तोतों का नजारा लेने। आइए हम भी देखते हैं ये अद्भुत नजारा। हर साल लगता है उनका फेरा, एक साथ लाखों तोतों का डेरा। मंदिर में होता है इनका सत्कार, संकट मोचन का है ये चमत्कार। आरती में देते हैं तोते संगत, बारी से लगती है इनकी पंगत। हैरान कर देते हैं इनके झुंड, अद्भुत है ये तोतों का कुंभ। मानो सावन की हरियाली आंखों में उतर आई हो। जी हाँ, इन तोतों की भीड़ को देखकर कोई भी हैरान रह गया। एक साथ इतने तोते शायद ही देखने को मिलते हों। लेकिन साहब, एक ऐसी जगह भी है जहां एक, दो सौ या हजार नहीं, लाखों की तादाद में मिट्ठू मियां मौजूद रहते हैं। अब आपको बताते हैं क्या है तोतों के इस कुंभ का राज। इंदौर का पंचकुया संकट मोचन हनुमान मंदिर, ये मंदिर इंसानों की भक्ति और आस्था का स्थान तो है ही, लेकिन ये इकलौता मंदिर है जहाँ पक्षियों का कुंभ लगता है। जी हाँ, खासकर तोतों का ये महाकुंभ हैरत में डाल देता है। जिस तरह से महात्माओं का कुंभ भराता है, बारह वर्ष में एक बार चार स्थानों से उज्जैन, नासिक, प्रयाग और इलाहाबाद, ये अपने हरिद्वार में, इसी प्रकार से पक्षियों का कुंभ भी प्रतिवर्ष अषाढ़, सावन और भादवा तीन महीने पंचमी स्थान पे लगता है। लाखों पक्षी आता है चारों तरफ से। जी हाँ, अषाढ़, सावन और भादो तीन महीने की मेहमानी खाते हैं तोते। कहते हैं कि यहाँ का लंगर तकरीबन 300 साल पुराना है। लेकिन सबसे हैरत की बात, जंगल खत्म हो गए, आसपास आम दिन में तोते दिखते भी नहीं। फिर भी न जाने कहाँ से बारिश आते ही तोते लाखों की तादाद में उमड़ पड़ते हैं और बारी बारी से मंदिर की छत पर लगा देते हैं पंगत। एक मंगत में हजारों की संख्या में पक्षी जिंदा है, जिसकी अपन गिनती नहीं कर सकते हैं, पर हजारों की संख्या में पक्षी जिंदा है। वो चार पांच मंगत में अपना होइल करके चले जाता है। अगर साढ़े पाँच पौने पाँच सवा पाँच बजे कोई दर्शनार्थी आ जाते हैं तो पूछते हैं कि भैया पक्षी तो ही नहीं है, आप जुआ डाल रहे हो, तो बराबर छह बजे पक्षी आ जाता है। इस तरह से आता है कि जैसे कोई पिंजरे में से निकल के आ रहा है या गुफा में से निकल के आ रहा है, पता ही नहीं लगता कहाँ से आ रहा है पक्षी इतना सारा। लाखों पक्षी कहाँ से आ गए एकदम। वर्षों से भगवान के इन भक्तों का अपना रूटीन है, एक तरीका है। इंसान भले ही आस्था बदल ले, लेकिन ये पक्षी अपना तौर तरीका नहीं भूलते। सुबह पाँच बजे अगर आप मंदिर में जाएं, तो एक भी तोता नजर नहीं आएगा। साढ़े पाँच बजे छत पर दाना डाल दिया जाता है। मंदिर में आरती शुरू होते ही धीरे धीरे तोते आने शुरू होते हैं। ठीक छह बजे छत और आसपास के पेड़ तोतों की चहचहाट से गूंज उठते हैं। सबसे पहले ये तोते नीचे हनुमान जी के प्रांगण में आकर बैठते हैं, मानो संकट मोचन को प्रणाम कर रहे हों। उसके बाद दाना चुगना शुरू करते हैं। एक झुंड उड़ता है तो दूसरा झुंड पंगत में उतर आता है। बराबर ज्वार को साढ़े पाँच पौने छह बजे डाल दी जाती है। पक्षी बराबर छह बजे नीचे उतर जाता है। चारों तरफ से आने के बाद ये पक्षी बराबर हनुमान जी की तरह भी मुंडा करता है। पहले हनुमान जी को प्रणाम करता है, इसके बाद दाना चुगता है। यह बात एक बार मानव को बताए तो भूल जाता है। बाकी पक्षी बराबर जो है भगवान को प्रणाम करने के बाद ही भोजन करता है। मंदिर में बाकायदा साल भर इन तोतों के भोज का इंतजाम होता है और स्टोर रूम में ज्वार इकट्ठा की जाती है और बारिश में तोतों का लंगर किया जाता है। तोतों की तादाद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब रोजाना क्विंटल के हिसाब से ज्वार खर्च होती है। यहाँ पहले जंगल था पूरा, तो पक्षी उस टाइम तो थे, अब जंगल खत्म होता गया, पक्षियों को मिलता नहीं है, तो दाना ऊपर थोड़ा थोड़ा, एक पहले 50 किलो डलने लगा, फिर एक क्विंटल डलने लगा, फिर दो क्विंटल, तीन क्विंटल, अभी जाके वर्तमान में चार क्विंटल हाइस्ट डलता है ना। ये हैरत की बात, इतने तोते आखिर आते कहाँ से हैं? ये वाकई कोई चमत्कार है या फिर संयोग? इस बारे में बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। दीपक कर्दम, सहारा समय, इंदौर।
इंदौर के राज मोहल्ला इलाके में मौजूद संकट मोचन मंदिर में नजारा बारिश भर लोगों के लिए दर्शनीय बना रहता है। लोग मानते हैं ये बजरंग बली बाबा का चमत्कार है, जिनकी भक्ति में तोते घिरे चले आते हैं। लाखों तोते मंदिर में, मंदिर भी बजरंग बली का। ये नजारा तो पक्षी विशेषज्ञों को भी हैरत में डाल दी। फिर रोजाना मंदिर में आने वाले आम भक्तों का क्या कहना। श्रद्धालुओं के मुताबिक तोतों का इस तरह हर साल जमा होना बाबा बजरंग बली का चमत्कार है। आश्चर्य की बात है ना, आश्चर्य की बात है कि इतने सारे तोते और एक ही पंगत में बैठ रहे हैं 20 से 25 हजार। तो फिर बहुत आश्चर्य की होती है, भगवान की एक लीला का है, चमत्कार है। और भगवान ने ऐसा मतलब ऐसा यहाँ पर तोतों का ऐसा नियम है कि वो तुरंत मतलब पहले चरण स्पर्श करता है, फिर भोजन करता हूँ, ऐसे नियम पूर्वक करता है। हालांकि तोतों के बारे में बात करें तो ये पक्षी सदियों से इंसानी बस्तियों से नजदीक रहा है। तोता हमेशा से पाले जाते रहे हैं। खास बात ये कि ये तोते मिमिक्री करने में माहिर होते हैं, बहुत जल्द नकल उतार लेते हैं। जंगल की बात करें तो तोते झुंड में रहने वाले पक्षी हैं और हर पक्षी की तरह अपने स्थान को याद रख सकते हैं और उसी स्थान पर वापस भी आते हैं। सेंस रहता है, ऊपर वाले ने उनको इतना समझ दी है। और क्योंकि तोता वैसे भी ग्रुप में रहने वाला पक्षी है, हमेशा अकेला नहीं रहता, ये हमेशा ग्रुप में ही पाए जाते हैं और ग्रुप में एक साथ रह के हल्ला करते हैं और अपनी कॉलोनी बना के रहते हैं। ये सब कारण है कि एक बड़ा झुंड इनका काफी बड़ा झुंड बन जाता है। लेकिन इस तरह लाखों तोतों का बारिश के 3 महीने रोजाना इकट्ठा होना अपने आप में चमत्कारी दृश्य तो लगता ही है। इसकी वजह खुद मंदिर के पुजारी भी वही बताते हैं जो एक्सपर्ट की राय हो सकती है। बारिश के मौसम में पक्षियों के लिए अच्छे दाने की कमी हो जाती है और ये मनपसंद दाना जब आसानी से इन्हें मंदिर में मिलता है तो ये सपरिवार लंगर उड़ाने पहुंच जाते हैं। बरसात के अंदर पक्षियों को कहीं पे भी दाना पानी नहीं मिलता है, इसलिए ये भारतवर्ष में अनेकों जगह अनेक प्रकार का दाना डाला जाता है। जैसे कबूतर मक्का खाता है, ये ज्वार खाते हैं, ज्वार भी अच्छी वाली खाते हैं जिसमें आटा हो, ये आटा खाते हैं, छिलका भून देते हैं, उस छिलके का उपयोग आम दाम और रोटली के दाम उस सारे छिलके को छोड़ के और फिर गायों को शुक्ले मिला के दे दिया जाता है। यहाँ पे स्थान पे 40-50 गायें हैं जो गायों की सेवा भी होती है। एक और बात, मंदिर जैसे स्थान पर तोतों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता, उन्हें कोई खतरा नहीं होता। साथ ही मनपसंद भोजन इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ा रहा है। धार्मिक रूप से ही सही, लेकिन इतनी संख्या में पक्षियों का संरक्षण हो रहा है जो खुद में एक चमत्कार जरूर है। दीपक कर्दम, सहारा समय, इंदौर।